कल अष्टमी का दिन था और हमारे यहाँ अष्टमी के दिन चावल की खीर और पूड़ी से अपना व्रत खोला जाता है। तो मम्मी ने रखा था अष्टमी का व्रत, तो मैं आ गई थी किचन में खीर बनाने के लिए। तो जिस पतीले में मैं खीर बनाने वाली थी ना, सबसे पहले उसमें पानी डालूंगी और उसके बाद दूध डालूंगी, ऐसे खीर हमारी जलती नहीं है। अब यहाँ पर चावल की खीर बनाने के लिए मैं चावल ले रही हूँ। ये मैंने गोविंदो भोग चावल लिया है, इसकी खीर बहुत अच्छी बनती है। मैंने आधा कप चावल ले लिया है और चावल को हम अच्छी तरीके से धुल लेंगे। चलिए, चावल में से मैंने पूरा पानी निकाल दिया है और पतीले में जिसमें हमने दूध डाला था इसमें मैं चावल डाल दूंगी, उसके साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि चावल को पकने में टाइम लगेगा। इतनी देर में जितना हमने दूध डाला है ना, वो बहुत गाढ़ा हो जाता है, फिर खीर ना आपकी बहुत गाढ़ी बनती है। थोड़ा सा पानी डाल के इसे डाइल्यूट करेंगे। और ना यहाँ पर दशहरे की तैयारी भी चल रही है, आज संडे था, मैच देखते देखते रावण बन रहा था। देखिए, खीर भी इतनी देर में हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस बारी है इसमें चीनी डालने की। अब क्योंकि अष्टमी का व्रत है ना, तो हम इस दिन चीनी का दूसरा पैकेट लाते हैं और फिर उससे हम चीनी डालते हैं खीर में, जो रोज़ यूज़ कर रहे होते हैं ना उससे नहीं डालते हैं। बस चीनी डालने के बाद खीर को थोड़ा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, चीनी घुल जाएगी, उसके बाद ये हमारी खीर ऑलमोस्ट तैयार है। मम्मी को ना खीर में इलायची और मेवे पसंद नहीं है, तो बस मम्मी के लिए बिना इलायची और ड्राई फ्रूट्स वाली खीर साइड में निकाल रही हूँ और बाकी बची हुई खीर में मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगी और इसी के साथ में ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से बादाम इस तरीके से क्रश करके डाल रही हूँ। ये क्रशर बहुत अच्छा है, अगर आपको चाहिए तो आप अमेज़ॉन में सर्च कर सकते हैं। बादाम डाल दीजिए, आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ सबको किशमिश बहुत पसंद है, तो किशमिश ज़रूर डलेगी। और नारियल भी बहुत अच्छा लगता है, आज नारियल ना घर में ख़त्म हो गया था। काजू डाल दीजिए, पिस्ता की कतरन डाल दीजिए, वो दिखने में अच्छी लगती है। चाहे तो चिरौंजी डाल दीजिए, मखाने भी आप डाल सकते हैं। ये हमारी खीर बनकर बिल्कुल तैयार है और सुंदर भी बहुत लग रही है। और खीर जब हम बनाते हैं ना, काफ़ी सारा दूध जो है ना पतीले के साइड में लग जाता है, वो गाढ़ा गाढ़ा दूध, उसे ज़रूर निकाल लीजिएगा, वो बहुत स्वाद होता है। जब तक खीर में बना रही थी, मम्मी ने यहाँ पर आटा भी लगा दिया है पूड़ी बनाने के लिए। और खीर को मैं निकाल लेती हूँ एक बाउल में। अब हम बना लेते हैं अपनी पूड़ियाँ। तो अष्टमी की पूड़ियाँ बनेंगी शुद्ध देसी घी में। तो चलिए, बस फूली फूली पूड़ियाँ हम बना लेते हैं। पूड़ियाँ मैंने बना ली हैं, अब हम लगा लेते हैं सबसे पहले भगवान जी को भोग। तो 5 पूड़ी रख ली है प्लेट में और मैंने रख ली है खीर। कितनी यम्मी लग रही है ना खीर। चलिए जल्दी से भगवान जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद हम भी खाएंगे। हर किसी के यहाँ त्यौहार सेलिब्रेट करने के रिचुअल्स अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे यहाँ अष्टमी के दिन खीर पूड़ी ज़रूर से बनती है, कई लोगों के यहाँ अष्टमी के दिन हलवा और पूड़ी और चने बनते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, मैंने कंजिका पहले खिला दी थी, कुछ लोग कंजिका आज खिलाते हैं, तो उस तरीके का खाना बनता है। हर किसी का अपना अपना नियम है, लेकिन जो भी करें दिल से करें, भगवान सभी स्वीकार करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, भोग लगा दिया है। जय भगवान जी, सब अच्छा कीजिएगा। भाई, मेरे लाडले को भी तो भोग लगाना बनता है, तो बस उसे भी मैंने खिला दिया है और अब हम सब भी बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं। एंजॉय।